बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। साइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट, आज इसका छठा प्रैक्टिकल है जिसमें हम प्लास्टिक लिमिट का प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्लास्टिक लिमिट क्या चीज़ होती है कि प्लास्टिक लिमिट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन अ साइल एट विच द साइल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट। नमी मिट्टी जो होती है वो चेंज होती है प्लास्टिक स्टेट से नीम ठोस हालत में जब पानी की कम से कम मिकदार उसको हासिल होती है। या दूसरे लफ्जों में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो इस तरह होगी कि पानी की मिकदार शामिल करने से जब इसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, मिट्टी के थ्रेड्स बनाए जाते हैं, तो वो 1/8 इंच या 3 mm तक बनने से पहले टूट जाए तो वो मटेरियल हमारा प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा, प्लास्टिक की हालत में होगा। इसके लिए कौन कौन से अपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं? पहले नंबर पर ग्लास प्लेट, स्पैटुला, कंटेनर, बैलेंस, ओवन और रॉड ऑफ 3 mm डाय। उसके बाद तरीकेकार की तरफ आते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम सैंपल 40 नंबर सीट का पास हम लेते हैं, उसमें 20 ml पानी डालते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद उस सैंपल से हम छोटे छोटे थ्रेड्स जो कि 3 mm का डाया होता है वो बनाते हैं। इसमें याद रहें कि जब हम थ्रेड्स बनाते हैं तो थ्रेड्स की रोलिंग की रेंज होती है वो 1 मिनट में 90 स्ट्रोक होते हैं। थ्रेड्स जब बन जाए तो एक थ्रेड को एक कंटेनर में, दूसरे थ्रेड को दूसरे कंटेनर में, इस तरह 4 से 5 सैंपल हम दोनों कंटेनर में हासिल करते हैं और उनका वजन करके ओवन में 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 घंटे गुजरने के बाद जब उसको मॉइस्चर खत्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उस सैंपल को निकाल कर ठंडा करने के बाद दोबारा वजन वेट करते हैं और उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलो आए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल करते हैं। सैंपल ले लिया, इसकी थ्रेडिंग करना शुरू कर दिया हमने। तो याद रहे कि जब हम थ्रेड बना रहे होते हैं तो 1 मिनट में 90 दफ़ा ये आपने स्टॉक लगा लेना है, इसका 90 दफ़ा करना है। और ये उम्र उस वक्त तक करना है कि जब तक ये 3 mm का ये हमारे पास ये राड है, 3 mm तक इसका डाया हो जाए थ्रेड का और इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाए। जब क्रैक्स आएंगे, जिस जगह पर क्रैक्स आएंगे उस जगह से हम इस सैंपल को काटना शुरू कर देंगे। ये क्रैक्स आ गया, इसको हमने काट दिया। अब एक सैंपल को हम एक कंटेनर में रखेंगे, इसी तरह जब दूसरा बनाएंगे तो दूसरा दूसरे कंटेनर में रखेंगे, इसी तरह 5 सैंपल हमने बराबर करने हैं। ये हमने क्रैक बनाया, इसमें जब क्रैक्स आ गए ये आपके सामने नजर भी आएंगे, इंशाल्लाह देखेंगे भी। इस पर ये क्रैक्स आए, वहाँ से हमने काटा, उसको हमने कंटेनर में डाल दिया। इस तरह 5 सैंपल बराबर करके हमने इनका वजन कर लिया। ये भी एक कंटेनर में हमने 5 पूरे कर लिए, उसमें 5 4 5 आप कर सकते हैं। उसके बाद इनका वजन करके अपने साथ लोड करेंगे और उसको फिर ओवन में रखेंगे 24 घंटों के लिए। 24 घंटे के बाद जब ओवन से सैंपल निकालेंगे दोबारा वजन करेंगे हम और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो कंटेनर नंबर पहले आपको दे दिए हमें C6 और C4। एम्प्टी कंटेनर वेट 15.4 15.3, दो कंटेनर में हमने सैंपल लिया। वेट ऑफ वेट साइल प्लस कंटेनर 19.2 18.9, ड्राई साइल प्लस कंटेनर 18.5 18.2। अभी वेट साइल से ड्राई साइल माइनस करेंगे प्लस कंटेनर तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 0.7, दूसरे का भी 0.7। इसके बाद वेट ऑफ ड्राई साइल प्लस कंटेनर से एम्प्टी कंटेनर के वेट माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ ड्राई साइल आ जाएगा 3.1 2.9।
इन दोनों में से उसके बाद हम मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज निकालते हैं इसमें से और इसमें से। तो ड्राई वेट ऑफ सॉयल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज आ जाएगी 22.6, इसी तरह 24.1। इन दोनों में से हमने इनकी एवरेज निकाली, दोनों को प्लस किया, उनको डिवाइड किया तो हमारे पास 23.4। अभी आप निकालेंगे ये हमारे पास आ गई प्लास्टिक लिमिट 23.4। लिपो लिमिट आपने पहले मालूम की थी, लिपो लिमिट 32, प्लास्टिक लिमिट 23.4। प्लास्टिक इंडेक्स निकालेंगे, प्लास्टिक इंडेक्स 32 माइनस 23.4 8.6। इसकी भी अलग स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है कि हमने अगर एम्बेडमेंट है सब ग्रेड है तो 10 से ज्यादा प्लास्टिक इंडेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर 10 से ज्यादा होगा होगी तो इसको हम एम्बेडमेंट के लिए और सब ग्रेड के लिए रोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर सब बेस और एग्रीगेट बेस होगी तो उसके लिए 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अगर हम ये मटेरियल अगर हम सब ग्रेड और एम्बेडमेंट के लिए इस्तेमाल करें तो इसकी 8.6 PI की मिकदार है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चीज होती है कि मटेरियल नॉन प्लास्टिक कब होगा, जब लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट की मिकदार लिक्विड लिमिट से ज्यादा आ जाए तो मटेरियल नॉन प्लास्टिक होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम थ्रेड बनाएंगे प्लास्टिक लिमिट में, जब थ्रेड बनाएंगे तो थ्रेड बने ना टूटना शुरू हो जाए, 3 mm तक ना पहुंचे बल्कि टूटना शुरू हो जाए तो मटेरियल उस वक्त नॉन प्लास्टिक होगा। ये प्लास्टिक लिमिट का प्रैक्टिकल आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद अगला इसी केटर वर्क लिमिट में श्रीकेज लिमिट का प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।